हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो बढ़िया होंगे। और आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं बड़कोट से, अपने घर से। और गाइस आप मौसम देखिए आज, वाओ सुहाना मौसम है, बादल लगे हुए हैं, हल्का हल्का जो है आसमान दिख रहा है। और कल बर्फबारी हुई थी हल्की सी पहाड़ों में, और इधर आज भी काम चल रहा है वैसे ही, और बिम काफी कुछ लग गए हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। ब्लॉगिंग की स्टार्ट में इसलिए कर रहा था क्योंकि पहले मैं आपको अपना रूम विजिट कराता हूँ। ये देखो, ये है मेरा रूम। ये देखिए कैसे, मतलब न तो कंबल फोल्ड है न रजाई फोल्ड है, कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। लैपटॉप रात को लेट नाइट काम कर रहा था तो ऐसे ही पड़ गए। बाकी इधर किताबें वगैरह मैंने ऊपर भी रखी हुई हैं। और ये देखिए मेरा टेबल है जिसके ऊपर मैं जो है काम करता हूँ मोस्टली। लेकिन ये मेरा रूम जो है इतना गंदा पड़ा है, तो मैंने छोटी बहन को कहा आज ये जरा डेकोरेट कर दे। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? क्योंकि इसका रूम इतना साफ रहता है। देखो कैसे यार, गर्ल्स कैसे आप इतना अच्छा रूम साफ कर सकते हो अपना है? हमने तो एक्चुअली क्या है ना, बहुत टाइम होता है लड़की के पास, हमारे पास टाइम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या, चलो अब ये साफ करेगी हमारा रूम, तो थोड़ी देर में देखते हैं रूम कैसा होता है, ठीक है? रूम हो गया डेकोरेट, ये देखिए आप फर्स्ट क्लास, ठीक है जी। यहाँ मैंने सारा रख दिया है अपने सामान, अपनी पेंटिंग इधर। और चलिए तो चलिए आज गेड़ी मारने के लिए बड़कोट निकल गए हैं। सो गाइस कई बार आप लोगों ने कहा है कि हमको बड़कोट मार्केट आपने पूरा नहीं दिखाया है, ओल्ड मार्केट खास करके। सो गाइस आप सामने पे देख सकते हैं ये पीली बिल्डिंग, इसको कहते हैं राणा लॉज। और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये है टैक्सी यूनियन टैक्सी पार्किंग, यानी कि अगर आपको देहरादून साइड कहीं पे भी जाना है तो यहीं से आपको गाड़ी मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आप बड़कोट आते हैं तो टैक्सी यूनियन पे ही जाएं। यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ पर बैंक है, एटीएम्स यहाँ वगैरह वगैरह मैं आपको दिखाऊँ अगर तो। ये पुराना मार्केट हम इसको कह सकते हैं, 90s की शॉप्स भी यहाँ भी हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये चौराहा है जहाँ पर कि चार रोडें कटती है ITI, और ऊपर हॉस्पिटल के लिए भी यहाँ से रोड जाता है। बाकी अभी मैं आगे आ गया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराने मार्केट के लिए यहाँ से जाता है। और यहाँ पर दो पुल एक साथ लगते हैं, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट पुल तो ये है और सेकंड पुल जस्ट इससे 20 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये भी बहुत पुराना लॉज है। और मैं आपको बताऊँ अगर तो ओल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पुराना बाजार है और पहले यही मार्केट हुआ करता था। और लेफ्ट में यहाँ से अगर नीचे को हम उतरते हैं तो ये एंटर कर गए हम ओल्ड मार्केट के लिए। ओल्ड मार्केट बड़कोट की जान है अगर मैं आपको कहूँ तो। नाइट में बहुत ज़्यादा रश यहाँ से होता है, दो रोड यहाँ से कटती है, लेफ्ट में बहुत पतली गलियाँ हैं, वहाँ भी मैं आपको एक दिन लेके जाऊँगा। राइट में अभी मैंने लिया है, यहाँ पर फास्ट फूड की काफ़ी सारी शॉप है इसलिए यहाँ पर आपको शाम को जो है रश मिलेगा। कपड़े की शॉप भी है, बाकी ये बहुत पुराना यहाँ पर स्वीट शॉप है। बाकी आप ये देख सकते हैं आज काफ़ी मार्केट थोड़ा क्लोज है क्योंकि शाम के टाइम में ज़्यादा खुलता है, रश रहता है। बाकी जैसे आप सीधे आगे आते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड में एक पतली गली सी निकलती है जो कि इंटर कॉलेज के लिए है। और जो लोग बड़कोट से पढ़े होंगे उनको पता है कि यहाँ पर इंटर कॉलेज की गली है। तो गाइज यहाँ से थोड़ा आगे और निकलते हैं तो काफ़ी पतली हो जाती है रोड, यानी कि यहाँ से फोर व्हीलर निकालना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए फोर व्हीलर के लिए दूसरा रूट निकाला गया है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे। बाकी जैसे जैसे हम आगे निकलते रहते हैं छोटी छोटी शॉप यहाँ पर मार्केट का बहुत ज़्यादा सनेरियो ही बदल देता है कि मतलब गली गली में शॉप आपको मिलेगी। और जैसे हम यहाँ से आगे निकलेंगे तो ये पतली पतली होती जाती है रोड, और यहाँ पर एक मेन रोड कनेक्टिंग रोड जो इन्होंने निकाला है नगर पालिका के लिए, ये जहाँ से नीचे जाते हैं। और अगर आप सामने जाते हैं, बाकी यहाँ पे आप पुराना मकान देख सकते हैं जहाँ मैं अभी आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये है आपका टैक्सी यूनियन। और यहाँ पर लोकल पार्किंग भी आप कर सकते हैं, बस पार्किंग यहाँ पर है स्पेशली बनाया गया है और काफ़ी अच्छी खासी जगह यहाँ पर है और मल्टी पार्किंग यहाँ पर बनाया गया है। बाकी यहाँ से मैं डायरेक्ट ऊपर निकलता हूँ अभी, बड़कोट से बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से आता है, दिन में हो या रात में बहुत ही अच्छा यहाँ से चमकता है। जो सीधी रोड ऊपर जा रही है जंगलात के लिए जा रही है फॉरेस्ट विभाग के लिए, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सनेरियो है देखने के लिए। अगर आप शाम को घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप जंगलात भी घूमने जा सकते हैं।
सो गाइज अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, राइट हैंड को जो है आप दीवार देख पा रहे हैं ये है इंटर कॉलेज की, जहाँ से मैं अभी लेके आया हूँ, पूरा गोल राउंड मैंने मरवा दिया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो इधर भी काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग हो जाती है। बड़कोट में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो बना रहता है वो होता है पार्किंग का, क्योंकि यहाँ पर लोग जितने हैं उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप देख ही पा रहे होंगे क्योंकि जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। सो गाइज आजकल यात्रा सीजन भी चल रहा है तो जाम लगने के ज़्यादा खासा आसार होते हैं। तो गाइज चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं हम। बाकी मार्केट का भी आप समय देख सकते हैं, अभी 5 बज गए हैं और इस टाइम पे मार्केट हल्का सा चहल पहल है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगती हैं ये हनुमान चट्टी, छैना चट्टी, जानकी चट्टी के लिए लगती है। अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो यहाँ से आपको एनी टाइम आपको यहाँ से गाड़ी मिल सकती है। बाकी अभी वापस आ गया हूँ मैं चौराहे पे, क्योंकि अब मुझे निकलना है शॉप के लिए पापा के पास। सो गाइज आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में आज भी डेवलपमेंट अच्छा खासा है। लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं जो ये खोखे बने हैं, खोखे ही बोलते हैं इनको गढ़वाली में, और ये जो मतलब नॉन फिक्सेबल जो ये यहाँ पे शॉप्स हैं लेफ्ट हैंड पे, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर बात चल रही है कि ये उखड़ेंगे क्योंकि NH के ऊपर है। सो गाइज मार्केट काफ़ी सूना सूना हो जाएगा फिर, तो देखते हैं कब तक ये चलता है, बाकी देखते हैं। राइट हैंड पे अब हम निकलेंगे तो ये अपना आ गया ITA रोड, इसको माल रोड कहते हैं, जैसे मसूरी की माल रोड है वैसे बड़कोट की जान ITA रोड को कहा जाता है। 90% लोग यहाँ पर शॉपिंग करने इसलिए आते हैं क्योंकि इस गली में आपको सब चीज़ मतलब एक हब है, जैसे मॉल के अंदर हर चीज़ मिल जाती है वैसे इस गली में कपड़े से लेके बुक सेलर से लेके डिस्पेंसरी से लेके हॉस्पिटल से लेके आपको यहाँ पर मेडिकल स्टोर और मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी, हार्डवेयर से लेके फुटवेयर से लेके, यानी कि तहसील गली भी इसको कहते हैं और इसलिए यहाँ पर ज्यादा आना जाना है लोगों का। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं और लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। आज कुछ ज्यादा खासा कंटेंट था नहीं इसलिए मैंने कहा चलो मार्केट घूम के आते हैं। और मार्केट की अगर मैं आपको बात बताऊं गाइस, बहुत ही चहल पहल यहाँ इसलिए मुझे दिखती है, एक तो यहाँ पर मेरा बचपन कटा है तो गाइज कितना भी घूम लो मन ही नहीं भरता। ये मैं आपको जो ड्रोन शॉट दिखा पा रहा हूँ ये ड्रोन शॉट मैंने कल ही लिया था, और इस टाइम पे ये सनेरियो पूरे बड़कोट मार्केट का है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। कम से कम यहाँ की जनसंख्या 20,000 से ऊपर हो चुकी है। और आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलते। मिलते हैं आपको ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले गुड बाय।